गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब उसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए कि कल हमने लिखा था कि या पहले यहाँ पर टॉपिक डाल दें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इक्वेशंस। चलिए भैया देखिए, कल हमने एक मैग्नीशियम का एक एग्जांपल लिया था ना, क्या था एग्जांपल Mg प्लस O2 चेंज इनटू MgO। लिखा था क्या भैया, हमने क्या लिखा था, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO लिखा था। Mg तो यहाँ पे एक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे क्या है, एक है। और हमको पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। चलिए भैया आप देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या बोल रहा है। भैया बोल रहा है, यहां पे देखिए हम रीड कर रहे हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दिस इज दैट द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। अब क्या बोल रहा है भैया, देखो बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे फॉलो करवाइए इस रिएक्शन में। क्या बोलने का मतलब है कि बोल रहा है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में ना हम मास को बना सकते हैं और ना मास को हम बिगाड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया, बोल रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए अगर हमने 10 किलो प्रोडक्ट लिया तो हमें रिएक्टेंट में कितने प्रोडक्ट मिलने चाहिए, मान लीजिए 10 किलो हमने रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट हमें कितना मिलेगा, 10 किलो मिलेगा। 9 किलो 800 ग्राम नहीं हो सकता है, 10 किलो तो 10 किलो दोनों साइड क्या रहेगा, 10 किलो। अगर रिएक्टेंट 10 किलो है तो प्रोडक्ट भी 10 किलो, अगर रिएक्टेंट 5 किलो है तो प्रोडक्ट भी 5 किलो। अब चलिए भैया देखिए केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे किया जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, पहले इसमें देखिए भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी किसी केमिकल रिएक्शन में ना हम मास को बना सकते हैं, ना मास को बिगाड़ सकते हैं, ना मास को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है भैया, देखो थस यानी मतलब, भैया देखो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्ट का जो मास है, सॉरी मास यानी प्रोडक्ट्स का जो मास है वही मास किसका होना चाहिए, रिएक्टेंट का होना चाहिए, सेम। चलिए भैया इसको आप लिख लीजिए तो हम आगे पढ़ाएं, हो गया। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए भैया मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए भैया देखिए क्या होता है, अब बैलेंस कैसे किया जाता है।
चलिए पहले हम सबसे पहले कल का एग्जांपल देखते हैं। कल के एग्जांपल में क्या था, देखिए कल का एग्जांपल क्या बोल रहा था कि भैया मैग्नीशियम है और क्या है ऑक्सीजन है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वो रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए भैया ये तो हमको पता है, लेकिन अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो क्या एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो है ना ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, एक ही है क्या, एक ही ऑक्सीजन है। चलिए भैया अब हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पे दो कर दें, दो मैग्नीशियम होगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, दो बनेगा। देखिए दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन क्या ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया भैया, बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, देखिए भैया ये था हमारा पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिंक का, ZN का, ZN है प्लस H2SO4 ये रिएक्ट कर रहे हैं भैया, ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं ZnSO4, क्या बनाते हैं भैया ZnSO4 प्लस H2 बनाते हैं, क्या करते हैं भैया ZnSO4 प्लस H2 बनाएंगे। अब देखिए भैया क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या, भैया बोलिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या, देखिए एक ZN है एक ZN है, एक SO4 है एक SO4 है, एक H2 है एक H2 है क्या। अब ये क्या हो रहा है जब ZN रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक H2SO4 से तो क्या बनाता है ZnSO4 जिंक सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और हाइड्रोजन क्या होता है इवॉल्व होता है उड़ जाता है गैस के फॉर्म में बनता है क्या भैया, देखिए ZN रिएक्ट किया H2SO4 से ZnSO4 बनाया H2 के फॉर्म में उड़ गया, H2 क्या हुआ गैस के फॉर्म में उड़ गया। भैया अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक्टिविटी नहीं है कुछ, ये है क्या आयरन प्लस किससे बन रहा है भैया H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं आयरन को H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस क्या H2 गैस इवॉल्व हो रहा है भैया, देखिए क्या बना रहा है ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है किसके फॉर्म में, क्या बन रहा है भैया, देखिए F क्या रिएक्ट कर रहा है H2O से रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 प्लस H2 गैस को क्या कर रहा है इवॉल्व कर रहा है। अब देखिए भैया क्या है केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या, देखिए भैया केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है भैया, देखिए यहाँ पे एक आयरन है यहाँ पे क्या तीन आयरन है, नहीं बैलेंस है, यहाँ पे एक H2 है यहाँ पे एक H2 है, चलिए तो भैया सही है एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे चार ऑक्सीजन है क्या, चार ऑक्सीजन है भैया चार ऑक्सीजन। अब बताइए रिएक्शन कैसे होगा, देखिए भैया देखिए अगर आयरन कितना है तीन है तो ये तीन कहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा, आ गया क्या भैया, देखिए आ गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है चार है तो हमको चार ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल कितना लेंगे चार लेंगे। देखिए भैया तीन ऑक्सीजन लिया तीन Fe लिए तो तीन Fe को हमारा हो गया, हमने चार ऑक्सीजन लिया तो हमारे पास चार ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अब क्या हमारे पास चार H2 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना H2 है यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे चार H2 बनाएंगे, ठीक है इसी तरह इसको बैलेंस करते हैं, जितने एटम इधर होने चाहिए उतने ही एटम इधर होने चाहिए, जितने मॉलिक्यूल इधर होने चाहिए उतने ही मॉलिक्यूल इधर भी होने चाहिए। चलिए भैया ठीक है समझ में आया क्या ये, चलिए ये समझ में आ गया ठीक है। अब एक चीज अगला टॉपिक क्या है, अब बोल रहा भैया रिएक्शन तो हमने बैलेंस कर दिया, अब रिएक्शन को बैलेंस करिए उनके फिजिकल फॉर्म में कर देते हैं भैया। अब देखिए भैया मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में होता है क्या होता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है गैस के फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा सॉलिड बनेगा क्या सॉलिड, क्या ऐश होता तो ही सॉलिड है ठीक है। जिंक क्या होता है भैया देखिए सॉलिड होता है क्या, अब ये देखिए क्या होता है ये लिक्विड होता है क्या, ZN अभी क्या बनेगा लिक्विड बनेगा क्या भैया लिक्विड बनेगा और ये क्या बनेगा गैस बनेगा बन जाएगा क्या भैया। अब देखिए Fe क्या है यहाँ पे सॉलिड है क्या भैया सॉलिड है यहाँ पे ये क्या है लिक्विड है H2O क्या है लिक्विड है ना भैया Fe3O4 क्या है यहाँ पे भैया देखिए यहाँ पे सॉलिड है क्या भैया यहाँ पे क्या है गैस है तभी तो ये ऊपर उड़ रहा है ये गैस है तभी तो ये ऊपर उड़ जा रहा है। तो देखिए भैया यहाँ पे बैलेंसिंग भी पता चल गया फिजिकल स्टेट में भी बैलेंसिंग कर लिए। अब भैया हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए हम बढ़ते हैं आगे भैया
चलिए भैया ये नोट हो गया क्या? चलिए आगे देखिए, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है भैया? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे भैया? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, कोई भी चीज है उसके कुछ ना कुछ प्रकार होंगे। चलिए भैया टाइप्स केमिकल रिएक्शन, भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए भैया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को कई भागों में बांट दिया गया, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? अब क्या होता है ना कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें जो बॉन्ड होते हैं ना वो टूटते हैं और जुड़ते हैं। क्या होते हैं? टूटते हैं और जुड़ते हैं। भैया देखिए क्या होता है ना, अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का एक ही एटम तो होगा नहीं, मैग्नीशियम का एक ही एटम तो होगा नहीं, इसके 50 एटम होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, है ना? 50 एटम। अगर हम एक छोटा सा मैग्नीशियम का टुकड़ा लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लाखों मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, छोटे 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 होंगे। क्या अभी छोटे छोटे एक साथ हैं तो इनको तोड़ना क्या है, थोड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल है इन सबों को तोड़ना। अब भैया वो मुश्किल को हमको क्या करना है, आसान बनाना है। अब देखिए भैया क्या है, ये क्या है, मैग्नीशियम है मान लीजिए, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो क्या भैया हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा नहीं, लिक्विड फॉर्म में हमें चाहिए नहीं। ऑक्सीजन क्या है, O2 O2 करके क्या है, पूरे हवा में फैला हुआ है, पूरी हवा में ऐसे ऐसे हर जगह है, इस पूरे रूम में, जिस रूम में आप बैठ के देख रहे हो उस रूम में पूरे है, तो ये O2 है भैया। अब क्या है ना, देखिए ये O2 जो है O डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। क्या भैया? O डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। जब इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो हमको मिलेगा O+O मिलेगा, तभी तो हमको O+O मिलेगा, ठीक है? तो यानी बॉन्ड को तोड़ना ही क्या है, सबसे मेन खेल है इसमें, ठीक है, सबसे मेन खेल है। चलिए भैया अब जरा देखिए पहला कौन सा टाइप है, पहला टाइप क्या है रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जोड़ देना। क्या होता है भैया? जोड़ देना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है भैया? जोड़ देना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन देखिए क्या होता है भैया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन देखिए, बोलता है व्हेन टू और मोर, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या भैया देखिए, चूना जानते हैं क्या, बोल रहा भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब भैया देखिए क्या होता है इसका, देखिए अगर A+B ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब ये क्या कर रहा है भैया, देखिए ये क्या है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है सी, केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? एग्जाम्पल देख लीजिए, क्विक लाइम CaCl
क्या था भैया? क्विक लाइम का थोड़ा हम जरा एक मिनट थोड़ा सा हम देख लें एग्जांपल। हाँ भैया सी ए ओ ई होता है, ठीक है। ये क्या होता है? क्विक लाइम। अब जब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे ना, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या बनता पता है? सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, ठीक है। और H2O क्या एक्सिस में, तो प्लस H2O, H2O ये लिक्विड में होगा, ये क्या होगा उसका सोल्यूशन बनेगा, ये भी लिक्विड में होगा, ठीक है भैया। अब देखिए क्या है ना, क्या है ये देखिए, ये है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। रिएक्ट क्या कर रहे हैं? क्विक लाइम और क्या वाटर रिएक्ट कर रहा है, बना क्या रहा है ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, इसको मत लिखिए, ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है? अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और H2O रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भैया? स्लेक लाइम बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम, स्लेक लाइम बोलते हैं भैया। चलिए भैया देखिए अब क्या होता है ना, अब आप किसी पेंट की दुकान पे जाइए और बोलिए भैया हमको थोड़ा सा चूना दे दीजिए, लेके आइए उसको घर पे, एक छोटा सा बर्तन लीजिए, उसमें चूना को पिस के डाल दीजिए, मतलब कूट दीजिए तो टूट जाएगा, डाल दीजिए उसमें दो तीन बूंद पानी डाल दीजिए, दो तीन बूंद के मतलब 10 ml 12 ml पानी डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद उसको नीचे से छुइए, हल्का सा हल्का छुइए, क्या होगा वो गर्म होगा, क्या होगा वो गर्म होगा। अब क्या कर रहा है? वो हीट इवॉल्व कर रहा है। हीट इवोल्यूशन का मतलब क्या है? ये बॉन्ड टूट रहा है और इस बॉन्ड के साथ बन के एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है इसके साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया देखिए, यही क्या होता है ना, पेंटिंग के काम में आता है, दीवार पे पोतैया होती है, चूना होता है, पेंटिंग होती है इससे, ठीक है, चूना किया जाता है, ठीक। अब दो तीन दिन बाद वो क्या होता है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक लाइम से क्या करता है? रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए जब कोई दीवार को चूना से पेंट किया जाता है तो दो तीन दिन बाद वो क्या होता है, एकदम शाइन करने लगता है। क्यों शाइन करता है? क्योंकि उस पूरे पे एक लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन से, ठीक है। रिएक्शन तो ऐसा है कि तुरंत हो जाएगा, बस भैया अभी पेंट किया तुरंत हो जाए, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। अब क्या होता है भैया, पूरे दीवार पे, इस पूरे दीवार पे मान लीजिए हमने चूना का पुतैया कर दिया, ठीक, दो दिन बाद आए देखें तो क्या होता है भैया, ये पूरा दीवार एकदम व्हाइट चमकने लगता है। कैसे चमकेगा? क्यों? क्योंकि क्यों चमकेगा? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लेयर बन जाता है। अब जैसे आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पे एक टॉपिक दिया हुआ है, डू यू नो करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो करके लिखा हुआ है एक टॉपिक। अब इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, समझिए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.3। इसी रिएक्शन से क्या बनता है? स्लेक लाइम बनेगा। अब स्लेक लाइम बन गया, अब जब स्लेक लाइम बन गया तो क्या करता है, उसी से क्या होता है, इज यूज टू व्हाइट वॉशिंग वॉल, दीवार पे पोतैया होता है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब ये जो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, एनवायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, तो एक पतला सा लेयर बनाता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा लेयर बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है? 2-3 दिन बाद बनता है व्हाइट वॉशिंग के। गिव अ शाइनी फिनिश टू वॉल। अब क्या करता है, जब वो बन जाएगा तो क्या होता है, वॉल एकदम क्या होता है, शाइनी हो जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। अब क्या होता है, अब अगर मार्बल का हम लोग रिएक्शन देखा जाए तो मार्बल क्या करता है, ये मार्बल का रिएक्शन है
सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, क्या भैया देखिए सी ए ओ एच का होल ट्वाइस और प्लस सीओ टू, क्या भैया सीओ टू, ये क्या बनाएगा देखिए सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री ठीक प्लस एच टू ओ, ठीक है लिक्विड में। अब देखिए क्या भैया ये हमारे पास क्या है स्लेक लाइम है और हमारे एनवायरमेंट में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है तो पता क्या ये क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, भैया कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। अब यार देखिए इसको हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा रहे नोट कर लीजिए एक बार, ये दिख रहा है आप लोग को, हाँ भैया चलिए दिख तो रहा है ठीक है दिख रहा है। चलिए भैया देखिए अब इसी को क्या बोलते हैं ना सेम फॉर्मूला किसके लिए मार्बल के लिए भी है। अब देखिए मार्बल क्या होता है शाइन करता है ना, मार्बल क्या करता है शाइन करता है, अब अगर मार्बल शाइन कर रहा है तो उसका भी फॉर्मूला यही है और कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोग चूना लगाने के बाद दीवार पे लगाते हैं उसका भी फॉर्मूला वही है तो क्या कोई असर पड़ा क्या, नहीं क्या है लेकिन उसको पॉलिश कर देते हैं ये पॉलिश नहीं हो पाता है ना। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, लेक्चर बहुत है, अगले लेक्चर में मिलते हैं ठीक है, और हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टाइप, दूसरा टाइप क्या भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए अब क्या है इसी में देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन ठीक है, सारे एक्टिविटी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोरोजन ठीक है। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे ठीक है। चलिए।